गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन प्रज्ञा अकेडमी। प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, काफी दिन हो गए हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस को चलते हुए, और इन दिनों में मैंने आपको टेंथ क्लास, स्पेशली मैं टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, टेंथ क्लास में मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आपके सिलेबस की चार पॉइंट रेड माई गुड राइट हैंड डी लॉटस और एन एन एल जी ऑन द डेट ऑफ द मेंटर, ये चारों पॉइंट्स आपको करवा दिए। उसके अलावा मैंने आपको पैसिव वॉइस करवाए हैं, पैसिव वॉइस में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और हु के पैसिव वॉइस करवाए। उसके बाद मैं आपको मॉडल्स करवा लिए हैं और क्लॉजेज, क्लॉजेज में हु, whose, which, इनके यूजेस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आते हैं। टेंथेज भी मैंने आपको पढ़ाई, हालांकि टेंथ जो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी हम सीधे स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मैंने वीडियो, जर्नल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चेंज करना बताया कि कैसे हम चेंज करते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे प्रज्ञा अकेडमी जूनियर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीच। डियर स्टूडेंट, ये कॉमन टॉपिक है, ये नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जरूर नहीं है कि टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए भी है। स्पीच और नरेशन, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए स्पीच और नरेशन। बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम न हो। स्पीच नरेशन क्या होता है? स्पीच और नरेशन, स्पीच का मीन्स होता है बोलना, स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। क्लियर? कि नरेशन के डेफिनेशन की बात करें तो भी नरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो नरेशन की डेफिनेशन होती है स्टेटमेंट ऑफ आ स्पीकर, स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट कहलाता है, नरेशन कहलाता है। क्लियर? तो वो हो गई हमारी नरेशन, और नरेशन को यूं कहते हैं स्पीच। तो ये तो डेफिनेशन हो गई नरेशन और स्पीच की, कि बोलने वाले को ही स्पीच कहते हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो क्या है? स्पीच है, वो नरेशन है। क्लियर? अब क्या होता है कि एक जो सेंटेंस होता है, जो हम वर्ड्स को बोलते हैं, उसको बोलने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग पैटर्न होता है, अलग टाइप होता है कि उसको कैसे बोले। तो इसलिए जो स्पीच और नरेशन होते हैं इसमें, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो बात करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट का मतलब है सीधे ही, अर्थात कोई भी जो स्टेटमेंट है उसे सीधा बोलते हैं विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं कोई बात कह रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, मेरा स्टेटमेंट है कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, ठीक। तो मेरे इस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं किया जाए, उसे एज इट इज कहा जाए, एज इट इज बोला जाए, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अर्थात द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज नॉट चेंज, ठीक है, कि
स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर मतलब वक्ता का जो स्टेटमेंट है उसमें नो चेंज, कोई भी नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। यानी मतलब उसके जो वर्ड हैं उन वर्डों को ऐसे टिज लिखे हम स्टैम लिखे, ठीक है, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच कि उसके वर्ड में कोई चेंज नहीं हो। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आज छुट्टी पर हूं, ठीक, या कि राहुल आज जयपुर जा रहा है, राहुल आज जयपुर जा रहा है, तो वो जो सेंटेंस है राहुल आज जा रहा है जयपुर जा रहा है उसको वैसे के वैसे ही हम लिखे बताए किसी और को, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर का जो स्टेटमेंट है चेंज हो जाए, उसे परिवर्तित कर दे, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम चेंज इज ऑन वर्ड, अपने शब्दों में उसे चेंज करे, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कि भाई राहुल ने बताया कि वह जा रहा था जयपुर जा रहा था, यह सर ने बताया कि वो कहां पे थे छुट्टी पे थे, तो वो जो वर्ड्स हैं उसमें चेंज हो जाए वो कहलाता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर? अब इसको और एग्जांपल समझते हैं, हम लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का मतलब मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज नोट चेंज, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट है स्पीकर का उसे क्या नहीं करे, चेंज नहीं करे, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। क्लियर? ये जो सेंटेंस, अब जब एक रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है स्पीकर बोलने वाला और एक होता है लिसनर कौन सुनने वाला, एक बोलने वाला होगा बकने वाला बोलने वाला और एक उसकी बातों को सुनने वाला, तो एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन बताइए कि जो स्पीकर है इसका स्टेटमेंट, अब इसका स्टेटमेंट कौन सा है, ये आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, मैं आज कहा जा रहा हूँ जयपुर, ये चेंज नहीं हो, ये ऐसे कैसे रहे, मतलब इसको ये मी किसी थर्ड को बताएगा, ठीक, ये मी किसी और से कहेगा कि राहुल ने तो मुझसे ये कहा कि मैं आज जयपुर जा रहा हूँ, उसके वर्ड को ऐसे कैसे लिख दे, ठीक है, सेम वर्ड उतार दे, वो कह रहा है डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि ये जो मी है जो लिसनर है इसके इस वर्ड को चेंज कर दे, अपने शब्दों में चेंज कर दे, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। क्लियर? तो देखो तो कैसे हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, हम बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे इसको राहुल टोल्ड मी दैट, राहुल टोल्ड मी दैट, राहुल टोल्ड मी दैट ही वाज He was going to Jaipur today. That day. तो ये है कि राहुल told me that he was going to Jaipur today. तो ये हमारा कहलाएगा indirect speech. अर्थात statement of speaker is changed. वो change हो जाए, ठीक है, परिवर्तित हो जाए, उसकी बात को सुनने वाला जब अपने शब्दों में कहे अथवा लिखे वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर? अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा उसका मैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि एक जो डायरेक्ट स्पीच है उससे दो पार्ट है, एक फिर कॉमा से बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले को तो हम बोलते हैं आरवी,
और उधर को आर, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इससे बाहर वाला ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, आर भी कहलाएगा, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टिंग क्या कहलाएगा, ये वर्ब कहलाएगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और ये इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस है इससे हम आर एस बोलते हैं शॉर्ट में, ये हमारा कहलाएगा रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। क्लियर, बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच उसके दो पार्ट होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला, आउटसाइड की इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और इनसाइड का इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, अब आपको हम कैसे उसको चेंज करें, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इंडेक्स ऑफ स्पीच, वो आपको देखना है। ठीक है, कि कैसे उसको चेंज करेंगे, कैसे डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करेंगे हम, बदलेंगे इसमें इंडेक्स ऑफ स्पीच, वो रूल्स हमें पढ़ने हैं। उससे पहले आपको देखना है कि हमने यहाँ पर सेड को टोल्ड में चेंज किया, ठीक है, कॉमन इंटरप्रेट कॉमन के हमने डेट लगाया, यहाँ पर आई यहाँ ये लिखा, यहाँ एन था, यहाँ पर हमने वॉज लिखा, और एन टूडे का हमने डेट लिखा। तो कहने का मतलब जो हमने चेंजेस किए हैं वो कितने चेंजेस किए हैं, डियर स्टूडेंट 5 चेंज किए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 किससे, एक ड्रैक्ट को इंडेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हमें 5 चेंजेस करने, 5 परिवर्तन करने। क्लियर, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इंडेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं।